பரம பார் தெரி மாயா. ओ तू के कर दे एक क्षण में मन की सोची बनती को ना ओ जो मानस के मन में जागरण अधूरा होता है और ये दादा लक्ष्मी चंद की रागनी है. एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनकी कलम के लिए. और पहली कड़ी में क्या बता दिया सजनों, रामायण की बात है कि जब रावण सीता को हर कर ले जाता ले गया और उसने ये भी सोचा था कि मैं इस पूरी तीनों राज्य तीनों लोकों का राजा हूँ और अपने मन में नहीं पता क्या क्या विचार किया पर उसके मन की विचार नहीं हुई. और भई मन में सोची भई मन में सोची रावण ने मन में सोची रावण ने अंबर में पैड़ी लाऊं जितना जल इस पृथ्वी पे सारे का दूध बनाऊं मैं सारी दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं मैं बाप ते पहला मरे ना बेटा और ऐसा गान बताऊं मैं बाप ते पहला मरे ना बेटा रे कहते मुरछा आ गई है रे 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 कहते कहते मुरछा आ गई फिर लगी आग बदन में ओ मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में ओ बड़ा विद्वान था. यदि वो अभिमान न करता तो आज वो देवताओं के साथ पूछता और उसने घमंड के कारण ये बात सोची कि मैं यू अंबर में पेड़ी लगा दूंगा. सजनों, अंबर में पेड़ी नहीं लगा करती और जितना जल इस पृथ्वी पर सजनों बताया गया है कि इस पृथ्वी पर 71% जल की मात्रा बताई गई है उस सारे को दूध बना दूंगा. जल में काई अग्नि में धुआं उसने भी हटा दूंगा और माँ बाप ते पहला मारा ना बेटा यो भी कष्ट मिटा दूंगा. नु कहते कहते मुरछा आगी फिर लाकी आग बदन मर मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में. और अगली कड़ी में चलिए माँ महाराज भईर मन में सोची भई मन में सोची दुर्योधन ने मन में सोची दुर्योधन ने भरम भवन में आग लगाई भवन के अंदर भेज दिए पांडव और कुंती माई करी तलाश फिर हुआ ताश एक गुप्ती मोरी पाई
जीव सजनो छह जीव वहां जले जले थे मर कह जने दुनिया देखने आई छह जीव वहां मरे थे मर कह जने दुनिया देखने आई कोन्या पारी बसाई रे लोगो हे रे 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 भाई कोन्या पार बसाई लोगो फिर चिंता छड़ी की तन में पनकी सची पनकी कोन्या तो मानस के मन में पनकी सची पनकी कोन्या तो मानस के मन में बताया गया सजनो कि दुर्योधन ने जब कौरव से पांडव हराए नहीं गए तो दुर्योधन ने एक माया जाल का रचना करवाई गई और उसने पुरोचन नामक मंत्री से एक लाक्षा घर का निर्माण करवाया। उस लाख के घर में ऐसे ऐसे पदार्थ मिले थे कि जो अग्नि को बहुत जल्दी पकड़ जाते थे। गुफा में बहुत अंधेरा था और छह के छह जीव उसके अंदर भेज दिए गए, पांचों पांडव और कुंती। उसने सोची थी कि इसमें जल के मर जाएंगे, लेकिन विदुर ने वहां से एक गुप्ती मोरी खुदवा दी थी। उसमें से वे निकल गए, उसके भी मन की चाही नहीं हुई और अगली कड़ी में दशरथ ने क्या सोचा ये बता दिया। वीर मन में सोची, हाँ मन में सोची, दशरथ ने मैं कर लू मन का चाया, त्यू रामचंद्र ने राज तिलक मेरा ओ जा भाग सवाया, चरत भरत की माता ने फिर महला बीच बुलाया, 14 साल का दिया दी सोटर फिर खोटा वचने सुनाया, 14 साल का दिया दी सोटा खोटा वचने सुनाया, नीचे कदम नीचे रह गया हे रे 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 रे, नीचे कदम नीचे रह गया ऊपर का चढ़ा गगन में, निर्भाग जाग निरान त्याग तू गहरी नींद में सोमतिना, मानव चोला रत्न अमोला परम भूल में खोमतिना, बीत गई सो बीत गई तो राह में काटे बोमतिना, और रंग रूप धन माया देख के इतना पागल हो मतिना, रंग रूप धन माया देख के इतना पागल हो मतिना, रंग रूप धन माया देख के इतना पागल हो मतिना, आवेगा आवेगा भूटापा मेरी लाग जातर दुनी लाग, आवेगा बुढ़ापा बैरी लाग जा तेरे दूनी लाग, पोते और पड़ोते आवे डले मार के जांगे बाग, पोते की बहु जाड़ पीसरी मौत के उड़ावे काग, और सारा कुणबा भई सारा कुणबा कहने लाग जा बुटड़िए ने भावे आग, सारा कुणबा कहने लाग जा कहे सुने की माने कोन्या उसी आदमी का कीजे के, कड़वाल भैंस ने कितना चराओ वादनी ने खींचे के, और कितनी गहरी आग बाल लो अडग मूंग का सिंचे के, बेसक बेसक चोड़ी में पड़िया रहो मुसल का में पीजे के, बेसक चोड़ी में पड़िया रहो मुसल का में।
हाथ लगाए बेरा पाटे वस्तु कर डी ढिल्ली का तेरे घर में सिर शू पड़ी रहे तू भाव पूछता तिल्ली का और मुझसे की जब पेश चले ना दाव बैठ जा बिल्ली का तेरी गद्दी थान में पड़ी रहे तू वादा करता दिल्ली का तेरी गद्दी थान में पड़ी रहे तू वादा करता दिल्ली का तेरी गद्दी थान में पड़ी रहे तू वादा करता दिल्ली का। खानदान घर के मानस हम अपना मान बढ़ावो जी। खानदान घर के मानस थमे अपना मान बढ़ावो जी। मात पिता और गुरु अपने की कदे ना कदर घटावो जी। और पहले पहले वाली तरज गुरु जी फिर ते आप लगाओ जी। और पहले दशरथ ने सोचा था कि मैं अब तो बुढ़ापा आ गया है, मैं अपने राम बेटे को ज्येष्ठ पुत्र राम को राजगद्दी सौंप देता हूँ। लेकिन केकई ने उसको कोप भर ने बुला करके मंथरा द्वारा भड़काए जाने पर 14 साल का दिसोटा और भरत को राजगद्दी सौंप दी। और दशरथ का नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर का चढ़िया गगन में। मन की सोची बनती गोना जो मानस के मन में। और अंतिम कड़ी में दादा लक्ष्मीचंद ने इतनी सुंदर बात रखी कि जो मनुष्य उसको अपने जीवन में धारण कर लेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा, उसके 84 कट जाएंगे। और के बता दिया भई रे भूखे ने, हाँ भई भूखे ने दो रोटी चाहिए, प्यासे ने पानी चाहिए। ऊंच नीच की बाता में सदा परख निभानी चाहिए। भूले भटके मानस ने सदा राय बतानी चाहिए। और सजना मेरी बात अच्छी लगे तो बाल लाइन के बाद तालियां चाहूंगा। अरे बाप और बेटा, बाप और बेटा सुनो बैठ इसी सभा में गानी चाहिए। बाप और बेटा